इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने मंगलवार को भारत के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को 5 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होने वाले वनडे वर्ल्ड कप विश्व कप के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। सचिन तेंदुलकर ने 6 बार वनडे वर्ल्ड कप में भाग लिया है। 1992 में सचिन ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप खेला था। आखिरी बार हुआ 2011 में वर्ल्ड कप में नजर आए थे, तब भारतीय टीम ने दूसरी बार खिताब पर कब्जा किया था। सचिन तेंदुलकर गुरुवार को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले उद्घाटन मैच से पहले विश्व कप ट्रॉफी लेकर मैदान पर आएंगे और टूर्नामेंट की शुरुआत करने की घोषणा करेंगे। तेंदुलकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 1987 में बॉल बॉय बनने से लेकर 6 टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व करने तक विश्व कप के लिए हमेशा मेरे दिल में विशेष जगह रही है। 2011 के विश्व कप को जीतना मेरे क्रिकेट कैरियर का सबसे गौरवशाली क्षण रहा। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि विश्व कप जैसे टूर्नामेंट से युवा खिलाड़ियों को काफी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इतनी अधिक विशिष्ट टीम और खिलाड़ी यहां भारत में विश्व कप में कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है। मैं इस शानदार टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। विश्व कप जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है। मुझे उम्मीद है कि इस बार यह टूर्नामेंट युवा लड़कियों और लड़कों को देश से जुड़ने और शीर्ष स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेरित करेगा। सचिन तेंदुलकर ने 19 साल की उम्र में पहला वर्ल्ड कप खेला था। जब उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया तो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड उन्हीं के पास था। अभी भी सचिन वर्ल्ड कप में 2000 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 663 रन बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन के नाम ही दर्ज है।